लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो बॉम्बे कॉल, मैंने तो कोई बुक नहीं किया। जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ए मोटू, तुम्हारा फोन कहाँ गया? भाग गया? यहाँ क्या कर रहा है? दिखता नहीं क्या मैं सो रहा हूँ यहाँ? ये कोई सोने की जगह है? अरे कमाल है तुम्हारा, ऊपर सोता तुम्हें तकलीफ होती है, यहाँ सोता तुम्हें तकलीफ होती है, आके तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम ये है कि रात के 2 बजे आधे घंटे से मैं यहाँ बेवकूफ की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे फोन के मैसेज के लिए। आई फील लाइक एन इडियट। मेरा बॉम्बे फोन लग गया, मेरा फोन लग गया था और तुम आधे घंटे से झग मार रहे हो, पहले क्यों नहीं बोला? मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ। ए तुम बाप का नाम मत लेना, मैं तुम्हारे बाप का कुछ नहीं खाया। मेरे बाप का नाम लेता है? सुनिए सुनिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो फ्लाइट बॉम्बे जाने वाली थी वो अगले 24 घंटों तक नहीं जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हो, अरे मुझे प्रॉब्लम है, मेरा पहुंचना, ये प्लेन के चक्कर में मेरा आइटम चला गया। अरे वहां प्रिया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ। सुनो सुनो, वो नहीं, तुमको आना है तो आओ, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। अरे मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनो। हवे मैं आ रहा हूँ। एक बात बताओ, ये हमेशा गले में लटकाए पिस्तौल ये फिरते हो, इसका कभी इस्तेमाल भी किया है कि? शायद अब करूंगा। ऐसे घटिया आदमी में मुझे लड़की ने क्या देखा समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं हाँ। क्योंकि ये जेब की बातें नहीं है, दिल की बातें हैं। लड़कियां दिल देखती हैं। मैं टिकट देख सकता हूँ जी? साहब को टिकट देखो। हाँ तो बंबई जा रहे हो, उसमें क्या लिखा है? इसमें हाँ बंबई, तो बंबई जा रहे हैं। इनकी बात का बुरा नहीं मानते टीटी साहब, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम यह है कि बचपन में इनकी आया ने इन्हें बाल जीवन घुट्टी के बजाय कड़वे करेले का जूस पिला दिया था, इसलिए इतना मीठा बोलते हैं। और इनका जन्म हलवाई की दुकान में हुआ था, हर बात पे इनकी जुबान से शीरा टपकता है। बिल्कुल। आप लोग बहुत अच्छी मजाक करते हैं। ये मजाक नहीं टीटी साहब, भयंकर सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे जिंदगी को गाली देकर भागे हों। अरे जिसकी लाइफ में खुशी ना हो, हंसी ना हो, प्यार ना हो, वो जीना भी जीना है। बोलिए बात साहब। भैया बैठे हो मेल में मगर बात डिलेक्स की कर रहे हो। जो जीवन में प्यार ना हो वो जीवन जीवन थोड़ा ही होता है। अब टीटी साहब, आपने हीर के बारे में सुना होगा, जूलियट के बारे में सुना होगा, लैला के बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इनके नाम नहीं सुने क्योंकि जिंदगी में उन्होंने प्यार ही नहीं किया ना। वो तो सिर्फ जानते हैं शेयर, हुंडी बाजार, नफा नुकसान, प्रॉफिट। मटेरियलिस्टिक माइंडेड होते हैं, मटेरियलिस्टिक माइंडेड। भैया एक बात बताओ, आपकी शादी हो चुकी? हां मैं तो शादी करने जा रहा हूं। अच्छा और इनकी? आपको दूसरे पैसेंजर्स नहीं चेक करने? अच्छा मैं चलता हूँ। जयराम जी की। जयराम जी की। अरे आओ भाई अंदर बैठो, हंसी खुशी कुछ बातें कर ले, सफर तय हो जाएगा। अब पकाओ है यार, पकाओ। Yeah.
राजो किए बगैर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। डरो मत। चल। के पीछे पड़े हैं मालूम नहीं बकवास। उनके साथ भी कोई हरामीपन किया होगा। ये गले में तावीज की तरह लटकाए फिर रहे थे। गोली क्यों नहीं मारी? नहीं आता। आता नहीं? खाने को आता है? भूख लगी है। मुझे प्यास लगी। भूख के सिवा कुछ लगता ही नहीं इसको। बस चिल्लू भर पानी में डूबा, बुखार आता है। बुरी है, बुरी सौ मन की। अरे बाप रे, अरे बाप रे। फिर ऊपर कहाँ जा रही है? Please oblige me. That's good. That's good. Yeah. Huh. Very nice. कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज संभाल के, नीचे पत्थर पड़ा है, संभाल। Mm-hmm.
थैंक यू थैंक यू। बेहोशी में भी खाते रहता है बेशरम। थोड़ा थोड़ा रह गया, आ गया। शाबाश, थक गई है, मुझे मालूम है। मैं शुभराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो शुभराज, काम हो गया? नहीं चौधरी। देखो शुभराज, उस राजू को मारने के लिए तुम्हें 5 पेटी पहले ही दे चुका हूँ और तुम कहते हो काम नहीं हुआ। जब भी मैं उससे निशाना बनाता हूँ वो साला दाढ़ी वाला बीच में आ जाता है। अरे वो विशाल है, विशाल सहगल। तुम राजू और विशाल दोनों को उड़ा दो। उसके अलग से सुपारी लिए मैंने, उसके लिए 1 करोड़ अलग से लिया हूँ मैं। चौधरी आप बेफिक्र रहिए, अब वो दोनों मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकते। और ये काम खत्म करके तुम बम्बई चले आना, समीर की शादी है, सब हिसाब किताब तभी करेंगे। अब मैं क्या करूं? ओ गॉड, अब मैं बेटे बेटे हम फंस चुके हैं, पूरी तरह से फंस चुके हैं। ये अर्जुन चौधरी तो बड़ा खतरनाक आदमी निकला, उसने राजू को मारने के लिए पीछे गुंडे छोड़ रखे हैं। हाँ मैंने उसकी बातें सुनी फोन पे, कह रहा था राजू को खत्म कर दो। ही इज अ मर्डरर। यही तो आप चाहते थे ना, आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटे। डैडी प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं धोखा खा गया था, लेकिन ईश्वर ने एंड मौके पे मुझे खबरदार कर दिया। अभी भी हमारे पास समय है, चलो भाग चलते हैं पीछे के दरवाजे से, वहां कोई नहीं है। चल बेटे चल, भाग चलते हैं। चल बेटे चल, चल भाग चलते हैं। अरे अनुराधा, सोडा कहाँ है भाई? साढ़े 11 हो गए, खाना नहीं खाएंगे आप? हाँ? देवर जी नहीं आए अब तक। हाँ तो उसको आने दो, उसके साथ खाएंगे।